तो गाइस क्या आप भी कर रहे हैं अपने पीसी को रिबिल्ड या फिर अपग्रेड, या फिर आप कंफ्यूज हैं कि अगर इसे फास्ट करें तो करें कैसे, और जानना चाहते हैं कि अगर फास्ट करने के लिए हम हार्ड डिस्क लें या फिर एक SSD की जरूरत है, क्योंकि यू नो जो प्री बिल्ड पीसी आते हैं या फिर जो पुराने पीसी बिल्ड हैं उनमें हार्ड डिस्क ही होती है, और खासकर जो इंटेल और डेल की तरफ से आते हैं प्री बिल्ड पीसी वो हार्ड डिस्क वाले ही होते हैं। उनके रीज़न भी मैं बताऊंगा आपको, हार्ड डिस्क लेनी चाहिए कि SSD और कितने तक की लेनी चाहिए मैं वो भी बताऊंगा आपको। सो बने रहे वीडियो में एंड तक, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस पहले हम बात करते हैं अपने पहले टॉपिक के ऊपर कि प्री बिल्ड पीसीज में या फिर पुराने पीसीज में हार्ड डिस्क ही क्यों होती थी, SSD क्यों नहीं, जबकि हम जानते हैं कि जो हार्ड डिस्क हैं HDD हैं वो 2005 में ही हैं, जबकि SSDs वो काफ़ी पहले 2001 और 2002 के बीच में आ गई थी। लेकिन ये जो आप देख पा रहे हैं इसका मेन कारण ये है कि पुराने टाइम में इतनी नॉलेज होती नहीं थी, और जब नॉलेज गेन हुई तब तक ये हार्ड डिस्क जो थी आपकी, हार्ड डिस्क जो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये वाली, यहाँ पे ये बड़ी कंपनीज के साथ लिंक में आ गई थी, जैसे आपके इंटेल और डेल के साथ। इसलिए प्री बिल्ड पीसीज में ये होती हैं प्री अप्लाइड। सो गाइस यही एक मेन कारण है, और ज़्यादातर लोग आप जानते हैं बजट पीसी बनाते हैं और वो खुद से नहीं बनाते, जो प्री बिल्ड होते हैं वही लेते हैं खासकर, तो इसी कारण ज़्यादातर ये हार्ड डिस्क फेमस हुई हैं प्रोबेबली। सो ये एक मेन कारण था। और रही बात SSD की, ये मेन आजकल आई है जब गेमिंग जो इंडिया में गेमिंग जो है ना ये ज़्यादा बूस्ट हुई है, खासकर ये लॉकडाउन के बाद। यू नो कई सारे लोगों ने चैनल खोले हैं यूट्यूब पर, कई सारे हार्ड कोर गेमर्स बने हैं, यही एक मेन कारण जो SSD वगैरह को एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें प्रमोट हो रहा है। तो गाइस इस टॉपिक के ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वो काफ़ी लंबा टॉपिक है एक्चुअली, उसके ऊपर आप डेडिकेटेड वीडियो आप बना सकते हैं जो मैं आगे बनाऊंगा भी। तो अभी आप बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर जो है हार्ड डिस्क लें कि SSD। हार्ड डिस्क और SSD दोनों आप जानते हैं रेंज में आती है पूरे 200 GB से लेके आप 2 TB तक, यानी 2000 अप्रोक्सीमेटली 2000 GB तक आप ले सकते हैं। आप जानते हैं 1 TB में होता है 1024, तो 2 TB यू कैन 2048 GB, तो इतनी रेंज में आती है। फिर हम ये कंफ्यूज हैं कि हार्ड डिस्क या SSD, मेन क्वेश्चन वहीं अटकता है चाहे जितने भी रेंज की आपकी हो। और देखिए हार्ड डिस्क आपको सस्ती पड़ती है इसलिए कई लोग हार्ड डिस्क की तरफ जाते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क की एक इशू भी कई इशूज हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा आगे, आप वीडियो में बने रहें एंड तक। और जो SSD हैं वो काफ़ी एडवांस हो गए, काफ़ी अपग्रेड हो गए पहले से आज तक। 1998 में वो पहली बार बनी थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी अपग्रेडेशन होने के बाद वो ऐसी दिखने लगी है, और आप हार्ड डिस्क से कंपेयर करो साफ साफ आप देख सकते हैं, आपको फोटो शो हो रही होगी। तो ये आप गाइस एक मैं माफ़ कीजिएगा, थोड़ा आपको शोर आ रहा होगा इसलिए मैंने माइक अटैच कर लिया है, बाहर एक्चुअली बारिश हो रही है उस करके थोड़ी सा आवाज़ आ रही है। तो हम बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो SSD की यू नो रेंज थोड़ी ज़्यादा होती है, रेंज मतलब प्राइस रेंज थोड़े महंगे ज़्यादा आते हैं, और आजकल SSD के भी कई सारे फॉर्म्स आ गए हैं, और SSD और हार्ड डिस्क चाहे आप दोनों में से कोई भी लें, वीडियो के बाद वीडियो पूरी देख के लेना है ना। तो उसके बाद आप ब्रांडेड ज़रूर लेना, चाहे WD की लेना चाहे लॉजिटेक की लेना, लेकिन ब्रांडेड लेना। मैंने हाल ही में PC अपग्रेड किया है, शायद आपको आवाज़ ना आए, PC अपग्रेड किया है उसमें मैंने SSD लगवाई है, मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, 2 दिन के अंदर वो ख़राब हो गई थी क्योंकि देसी माल था, दोबारा डलवानी पड़ी। तो यू कैन अंडरस्टैंड 250 GB की मैंने डलवाई है, क्योंकि यू नो PC मेरा काफ़ी पुराना है, मैंने पुरानी वीडियो में भी कहा था लगभग 12 साल हो चुके हैं PC को, तो ये आजकल काम चला रहा है ऑनलाइन क्लासेस का बस, और कभी कभार समझाना होता है तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको समझा ही देते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करनी है उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देख रहा हूँ, प्लीज चेकआउट दैट, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन है, एक विंडोज 7 के लिए एक विंडोज 7 और 10 दोनों के लिए, वो एक एप्लीकेशन है उससे आप कर सकते हैं, स्पॉन्सर नहीं है, दोनों ही वीडियो स्पॉन्सर नहीं है जो डिस्क्रिप्शन में है, तो यू कैन सी, ठीक है। तो वापस आते हैं टॉपिक पे, तो एक हार्ड डिस्क में ना आपको फोटो अभी दिख रही होगी। तो हार्ड डिस्क गए आप देख सकते हैं कुछ ऐसी होती है, नहीं ये 1 TB की हार्ड डिस्क है, ऐसी 2 TB की होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और इसकी अगर हम अंदर की बात करें तो अंदर एक डिस्क लगी होती है, यहाँ आपको दिख रहा है डिस्क के अंदर ना, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ना, यहाँ पे मोटर होती है जो इस डिस्क को रीड करने में मदद करती है,
और ये जो आप देख पा रहे हैं ये पुरानी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ये जो पहले टाइम में डीवीडी प्लेयर्स आते थे ना बड़े साइज़ के, तो वहाँ पे ये यूज़ होता था। और ये जैसे डिस्क यहाँ आप देख पा रहे हैं ना, जो सीडी के ऊपर पॉइंट है उसके ऊपर यूज़ होता है, वैसे ही ये रिकॉर्ड करता है, इसलिए ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो गाइस जो वीडियो में अब तक बने हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप अब जान चुके हैं हार्ड डिस्क की खराबियां और उसके बारे में डिटेल लिया, आपको समझा चुका हूँ डिटेलली, मेरा मतलब है अच्छी तरह मैं समझा चुका हूँ। सो अब आते हैं SSD की तरफ। SSD अभी आप फोटो देख रहे होंगे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं SSD, हार्ड डिस्क और HDD, ये तीनों यहाँ दिख पा रहे हैं। और कंपैरिजन करके देखिए हार्ड डिस्क और SSD का, कितनी पतली होती है SSD, ये 250 GB तक की होती है और ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है जैसे आप देख पा रहे हैं। इनके ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये जो ब्लैक कलर के हिस्से हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टोरेज होती है, जितने ज़्यादा ये होते हैं उतनी मतलब ये फास्ट होती है। और यहाँ पे ये ऐसे लगे होते हैं, यहाँ छोटे साइज़ के भी आते हैं, छोटे साइज़ के आप ऐसे भी लगा सकते हो सिर्फ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ रन करने को, लेकिन उनका ये प्रॉब्लम होती है कि हीट सिंक वो होती नहीं है उन पर, उसका जो कवर होता है वो हीट को कम करने के लिए होता है, लेकिन ऐसे अगर रखोगे ना तो गर्म ज़्यादा हो जाती है, ये एक मेन इशू आता है ऐसी SSD के साथ। इसलिए आप कोटिंग वाली या फिर आप कह सकते हैं कवर वाली ही लें SSD। तो गाइस यहाँ पे कुछ लोग मुझे अभी कमेंट करेंगे या फिर सोचेंगे ज़रूर कि अभी तो तूने कहा कि 2 दिन में ख़राब होगी तेरी SSD और तू कह रहा है SSD लें, तो मैं बार बार कह रहा हूँ भाई देसी माल था जल्दी ख़राब हो गया, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ब्रांडेड ही लें, चाहे वो WD के लें, लॉजिटेक के लें, जिस चाहे के लें, लेकिन ब्रांडेड लें क्योंकि उसकी वारंटी भी आपको मिल जाएगी। और मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करता हूँ जो कि है M.2 लें कि NVMe, ये मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि जो नए PC बिल्ड करा रहे हैं उनके दिमाग में डाउट रहेगा कि एक जो मदरबोर्ड में ऑप्शन होता है कि NVMe लगाएं कि M.2 लगाएं, वहाँ पे क्या चूज़ करें, बता दिया ना टॉपिक, अगली वीडियो आएगी ना जल्दी सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब के बटन को ठोक दो, ठीक है, उससे ना मतलब एक तो मोटिवेशन मिलता है और ऊपर से आपको भी कंटेंट मिल जाएगा जो आपकी मर्जी का होगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, अभी सिर्फ 120 हुए हैं, 1020 तक तो पहुंचाना है यार, अभी 200 का टारगेट नहीं पार हुआ, कहाँ 1000, तो जल्दी सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हो लोग। तो यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं, देखिए हार्ड डिस्क जो होती है उसकी प्राइस काफ़ी कम रहती है कंपेरेटिवली SSD से, खासकर SSD जहाँ आपको 20-22 हज़ार की SSD मिलेगी उतनी मतलब स्टोरेज की आपको हार्ड डिस्क मिल जाएगी सिर्फ 5 से 6 हज़ार के बीच, अच्छी हार्ड डिस्क नो डाउट। लेकिन गाइस यहाँ रीड एंड राइट स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने अब तक आपको बताई नहीं, तो SSD की रीड एंड राइट स्पीड जो है ना NVMe की, खासकर जो NVMe आई हैं वो 5000 तक हैं और SSD की भी काफ़ी ज़्यादा है प्रोबेबली एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। अगर हार्ड डिस्क की आप 50 मान के चलोगे ना, रीड एंड राइट स्पीड अलग अलग होती है लेकिन यहाँ पे बराबर कंसीडर कर लो, तो SSD में आपको 150 तक आराम से मिल जाएगा, ठीक है, तो इसलिए SSD काफ़ी फ़ायदेमंद रहती हैं। नए PC बिल्ड करा रहे हो या PC अपग्रेड करा रहे हो तो हार्ड डिस्क की तरफ ना जाए, मैं बार बार कह रहा हूँ SSD लें, चाहे कंपनी किसी भी कंपनी के लें लेकिन ब्रांडेड कंपनी के लें, कई बार मैं आपको कह चुका हूँ लेकिन आगे आपकी मर्जी है यार। तो अगर आप बजट PC बिल्ड कर रहे हो तो यू कैन गो विद हार्ड डिस्क, क्योंकि बजट PC में आप गेमिंग तो करोगे नहीं ऑफ कोर्स, और करोगे भी तो आपके लिए ग्राफिक कार्ड तो होते ही हैं, तो हार्ड डिस्क जो होती है ना, हार्ड डिस्क असल में उसके अंदर आप विंडोज़ वगैरह लोड करते हो, फोटोज़ वगैरह सेव करते हो, और जो SSD में भी यही हो सकता है, आप गेम्स भी चला सकते हो SSD में। हार्ड डिस्क में इशू आ सकते हैं क्योंकि रीड एंड राइट स्पीड बहुत स्लो रहेगी तो गेम्स काफ़ी स्लो चलेंगी या फिर कुछ हो सकते हैं कि चले भी ना, ठीक है, जैसे आप हार्ड गेम पबजी आप हार्ड डिस्क में चला के देख लो कहाँ चलेगा, चलेगा ग्राफिक कार्ड चाहे हो हार्ड डिस्क में लोड करिए कहाँ चलेगा, NVMe में लोड होती है, M.2 में लोड होती हैं वो, इसलिए लोड होती हैं क्योंकि रीड एंड राइट स्पीड बहुत तेज़ होती है, और जिनका बजट नहीं होता वो SSD में लोड कराते हैं। तो गाइस आपके कंप्यूटर के हिसाब से कई सारे स्लॉट्स होते हैं, आप चाहे दोनों भी रख सकते हो, सिर्फ एक स्लॉट नहीं होता, SSD और हार्ड डिस्क आप दोनों रख सकते हो, जैसे SSD में आपने गेम्स वगैरह इंस्टॉल कर ली और हार्ड डिस्क में आप अपनी फ़ोटोज़ वगैरह रन कर पाओ, ठीक है, फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह उसके अंदर सेव रहें,
तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। मैंने भी यही किया, पुरानी हार्ड डिस्क को मैंने फेंका था ना, उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट काम होता है यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कई सारी, है ना, तो वो वहाँ काम आ सकती है आपकी हार्ड डिस्क। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो सीधा सीधा मैं आंसर दे दूँ आपको कि SSD लगवाओ हो सके तो, हार्ड डिस्क की तरफ ना जाओ। अगर आपका मेन पर्पस है गेमिंग या फिर बजट बिल्ड हो तो आप हार्ड डिस्क की तरफ जा सकते हैं, नो डाउट, पैसे भी बचाने हैं। तो ये रही आपकी वीडियो, थैंक यू। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, उस लाल आइकन को जल्दी से दबाएं और साथ में बेल आइकन को भी ऑल कर लें ताकि आपको चैनल की नई वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। और इसी के साथ सब्सक्राइब कर लें मेरे दूसरे चैनल सुपीरियर फैक्ट्री को, जिसमें अब तक 4 वीडियोस हैं और इस पर भी मैं जल्दी वीडियोस डालूंगा, इसको भी सब्सक्राइब कर लें। और उसे दबाने के बाद आपको दोबारा से बेल आइकन को ऑल कर देना है ताकि उसकी भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, थैंक यू एंड बाय बाय।